नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण हमें फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिसीजेज बहुत जल्दी हो जाती हैं और ठीक नहीं होती। हम मेडिसिंस लेते रहते हैं और कभी भी हमारा फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। दोस्तों आज मैं आपको एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिससे ना सिर्फ फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा, आपके शरीर की इम्यून सिस्टम भी ठीक होगी और इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे क्लिनिक में अगर 100 मरीज आते हैं तो लगभग 30 मरीज फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं। फंगल इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को फैल रहा है, ठीक नहीं होता है जल्दी। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे जो कॉमन टाइप, जो आमतौर पे आप सभी को फंगल इन्फेक्शन होता है, वो है डर्मेटोफाइटोसिस, मतलब रिंग वॉर्म। दोस्तों रिंग वॉर्म भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टीनिया फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। दोस्तों टीनिया फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी फंगल इन्फेक्शन होता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है, बार बार हो जाता है। तो डर्मेटोफाइटोसिस मतलब रिंग वॉर्म बहुत ही कॉमन है। उसके बाद बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन और होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कैनाडिडियासिस और मायोसिस। दोस्तों मायोसिस भी फंगल इन्फेक्शन होता है, ये भी काफ़ी कॉमन है। दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन ना सिर्फ आपको स्किन में होता है, आपकी त्वचा में होता है, ये फंगल इन्फेक्शन लंग्स में भी होता है। जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है खासकर स्किन में, वो जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन कितना इरिटेटिंग रहता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है खुजलाते खुजलाते। तो फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लालपन होता है, दाने निकलते हैं, रैशेज होते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा खुजली करता है और बार बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और यही बोलता है कि डॉक्टर साहब खुजली हो रही है, लाल दाने निकल रहे हैं, साथ में कालापन है, स्किन मेरी ख़राब होते जा रही है, काली पड़ते जा रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है पेशेंट। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, रिंग वॉर्म से पीड़ित हैं, कैनाडिडियासिस से पीड़ित हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होती है और खुजलाते खुजलाते बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, जिसको आप रेगुलरली यूज़ करेंगे कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, तो फंगल इन्फेक्शन आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और फंगल इन्फेक्शन से आप हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। तो ये ड्रॉप है R82। दोस्तों R82 जर्मन ड्रॉप है, डॉक्टर रेकवेक जर्मनी की ये ड्रॉप है, आर ग्रुप की ये ड्रॉप है, माइकॉक्स के नाम से आती है, एंटी फंगल ड्रॉप के नाम से आती है। ये R82 बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप है फंगल इन्फेक्शन के लिए, जोक ईच के लिए, कैनाडिडियासिस के लिए, वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए और किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन या ईचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि R82 में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई हैं और वो क्या करती हैं। उसके बाद मैं इसको लेने का तरीका, डोजेस बताऊँगा, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा और लास्ट में बताऊँगा प्राइसिंग और आपको ये कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं। R82 में सबसे पहले 4 नोसोड हैं, एस्पेरिगस, कैनाडिडियासिस, माइकोसिस और साथ में पेनिसिलिनम। दोस्तों चारों नोसोड फंगल इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करते हैं, अगर बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकते हैं और आपके अंदर जो इम्यूनिटी की कमी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो आपके अंदर कम हो गई है, खासकर जो फंगल इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, ये चारों नोसोड उस क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों इसमें क्लैमेडिया डला हुआ है, जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है,
फंगस को ठीक करता है। इसमें इचिनेशिया मिली हुई है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। इसमें जिंकम मेटेलिकम मिली हुई है। दोस्तों जिंक फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। लास्ट में इसमें टैकोमा मिली हुई है। दोस्तों टैकोमा एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल हर्ब है। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। अब चलते हैं डोजेस की तरफ कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। R82 की सबसे अच्छी बात ये है कि R82 आप लगा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। तो मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है और मेरे इस हाथ में R82 रखी हुई है, तो बस 2 से 3 बूंद इस फंगल इन्फेक्शन में डालना है और उसके बाद अच्छे से इसको मिला लेना है। रात में एक बार इसको लगाना है R82 को। तो जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है वहाँ आप इसको लगाइए रात में एक बार, अपने हिसाब से 3-4 बूंद उस जगह पर डालिए और अच्छे से इसको मसाज कर दीजिए जिससे वो R82 पूरी तरीके से स्किन में जज्ब हो जाए। अब चलते हैं इसको पीने का तरीका, कैसे इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों R82 को लगभग 10 ml पानी में 10 बूंद डालना है और दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। तो एक कप ले लीजिएगा, उसमें 10 ml पानी डाल दीजिएगा, उसके ऊपर R82 10 बूंद डाल दीजिएगा, एक बार सुबह पी लीजिएगा और ऐसा ही एक बार शाम को कर लीजिएगा, शाम को पी लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको फंगल इन्फेक्शन काफ़ी समय से है तो इसको आप कम से कम 3 महीने तक यूज़ करिएगा। 1 महीने में लगभग 50-60% आराम लग जाएगा, फिर आप धीरे 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 पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर। तो फंगल इन्फेक्शन मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग आप में से हैं जिनको 2-3 सालों से फंगल इन्फेक्शन है, तो आप ज़रूर इसे कम से कम 3 महीने यूज़ करें। इसको लगाना भी है और पीना भी है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों अब चलते हैं ओपिनियन की तरफ। तो मेरे क्लिनिक में R82 बहुत ज़्यादा बिकता है और मैं फंगल इन्फेक्शन के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने क्लिनिक में। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और वो ठीक नहीं हो रहा है, जब तक दवाई का एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, तब तक वो ठीक रहता है। जैसे ही आप दवाई बंद कर देते हैं तो वापस से वहीं आ जाता है और फंगल इन्फेक्शन वापस से हो जाता है। तो R82 बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपके शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन के लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी और जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको टीनिया फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म है, जो कीच है, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कान के अंदर, तो वो प्रॉब्लम है, कान के अंदर कभी कभी खुजली होती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, खुजलाते रहते हैं, वो प्रॉब्लम है, चेहरे में, हाथ में, पैर में खुजली होती है, खुजलाने के बाद बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद स्किन निकलती है, भूरी भूरी सी, वो प्रॉब्लम है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और डैंड्रफ पीले पीले हैं, सर में फंगल इन्फेक्शन है, पीले पीले डैंड्रफ होते हैं, खुजली होती है, बार बार खुजली होती है और वो ठीक नहीं हो रही, इसके कारण बाल भी झड़ते हैं, तो R82 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रिंग वॉर्म में तो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ही है, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन में भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, कैनाडिडिएसिस में भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों R82 आपको 250 रुपीज़ की होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी, 250 रुपये की होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी। आपके आसपास जो भी बड़ी होम्योपैथिक शॉप है वहाँ से जाके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों R82 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फंगल इन्फेक्शन के लिए और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और आप ज़रूर इसको यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं
ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।